हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल ट्रिपल ब्रदर्स। स्वागत है आपका नए व्लॉग में। सो गाइस, आज हम आए हुए हैं ऋषिकेश, और ऋषिकेश में आपको एक वॉक अराउंड देंगे कि लाइक आप क्या कर सकते हो ऋषिकेश में, कहाँ कहाँ घूम सकते हो और क्या क्या यहाँ पे फेमस प्लेसेस हैं जहाँ आप एक अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो। और क्या दिखाएंगे सब हम यहाँ का, जितना भी मतलब ऋषिकेश में कहाँ कहाँ जा सकते हैं, कहाँ कहाँ हिडन प्लेसेस हैं। एक हाँ, हमने हिडन प्लेस लाइक पता नहीं हिडन प्लेस है या नहीं है, बट देन बट हमने एक्चुअली उसको डिस्कवर किया है। देयर इज अ शॉर्ट एंड सीक्रेट वे टू डायरेक्टली गो टू द मैगी पॉइंट ऑफ द शिवपुरी। जो लोग मतलब कि वहां से अगर ड्राफ्ट नहीं कर रहे हैं और जो गाड़ी में, अगर हमें सिर्फ मैगी पॉइंट के लिए जाना है तो वहां से जा सकते हैं। बट हम इसके लिए आपको ज्यादा अभी नहीं बताएंगे, उसके लिए आपको हमारा ब्लॉग देखना पड़ेगा और आपको हिडन प्लेस या हिडन रास्ता देखने को मिलेगा वीडियो के एंड में। तो आप प्लीज एंड तक हमारी वीडियो देखें और हमारे साथ बने रहिए ट्रिपल ब्रदर्स के साथ। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए कुछ सिनेमैटिक शॉट्स फ्रॉम ऋषिकेश। वन ऑफ द प्लेसेस जहाँ पे आप ऋषिकेश में जा सकते हैं वो है जानकी सेतु। जानकी सेतु 274 मीटर्स के अराउंड बिल्डअप है और जैसा कि आप देख सकते हैं इसके अंदर 3 लेन्स हैं, जिसमें एक लेन पैदल चलने वालों के लिए और बाकी 2 लेन्स में बाइकर्स और 2 व्हीलर्स के लिए है। और इस ब्रिज को क्रॉस करके आप दूसरी साइड जाते हैं, जिस साइड से आपको एक बीच टाइप नज़ारा देखने को मिलता है जानकी ब्रिज का, जैसा कि आप देख सकते हैं। दूसरा फेमस पुल ऋषिकेश में है लक्ष्मण झूला, जिसका नाम आप सभी ने बहुत सुना होगा और देखा भी होगा। ये ब्यूटीफुल मार्केट जो आप देख रहे हैं ये लक्ष्मण झूला की तरफ जाती है। आप इस मार्केट को क्रॉस करके ही लक्ष्मण झूला की तरफ जाते हैं और उसका मज़ा लेते हैं। ये लक्ष्मण झूला की एंट्री है, यहाँ से हम लोग लक्ष्मण झूला की तरफ जाते हैं और ये खूबसूरत नज़ारा आपको लक्ष्मण झूला से देखने को मिलता है। और लक्ष्मण झूला को क्रॉस करके आपको देखने मिलता है एक शिव जी का मूर्ति और मंदिर, और उस तरफ से आप जा सकते हैं वहाँ के एक फेमस रेस्टोरेंट छोटी वाला रेस्टोरेंट। आइए देखते हैं। तीसरा फेमस झूला है राम झूला, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। दिन में जितना खूबसूरत है उतना ही खूबसूरत ये रात में भी है। ऋषिकेश आए और फेरी बोट राइड नहीं की तो क्या किया। राम झूला के पास में एक फेरी बोट राइड होती है जिसके मज़े आप भी ले सकते हैं। ऋषिकेश से कुछ ही किलोमीटर दूर पड़ता है नीलकंठ बाबा का टेंपल, जहाँ पे आप लोग जा सकते हैं, शिव जी के दर्शन कर सकते हैं। ये बहुत ही पुराना टेंपल है वहाँ पे। आइए, ये खूबसूरत रास्ता लेके जाता है आपको बीटल्स आश्रम की तरफ, जो कि बहुत ही पुराना आश्रम है। आइए देखते हैं ये अंदर से कैसा दिखता है। इसके अंदर छोटे छोटे स्कल्पचर्स बने मिलेंगे, जैसे कि डोम टाइप स्कल्पचर्स हैं, जहाँ पे आप जाके फोटोग्राफी कर सकते हैं। बीटल्स आश्रम में फ़ोटोग्राफी के लिए बहुत सारी जगह हैं, जैसा कि जो फोटोग्राफी को लाइक करते हैं वो बहुत सारी मल्टीपल प्लेसेस पे जाके फ़ोटोज़ क्लिक करा सकते हैं, एंड देन फ़ोटोज़ बहुत अच्छी आती हैं यहाँ पे।
अंदर बहुत सारे लोगों ने काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, जब आप वहाँ जाएंगे तो आप उसकी वॉल्स पे भी देख सकते हैं। द बेस्ट पार्ट इन ऋषिकेश इज द गंगा आरती। जो लोग भी गंगा आरती आज तक नहीं देख पाए हैं, उन लोगों के लिए हमने इस गंगा आरती को रिकॉर्ड किया है। आप सभी इस वीडियो को एंड तक देखें और गंगा आरती का आनंद लें। Thank you.